हेलो इन्वेस्टर्स, बात करेंगे केरल के कोची में रहने वाले मिस्टर बाबू जॉर्ज वाल्वी के निवेश के बारे में, उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में। 43 साल पहले उन्होंने एक कंपनी के 3500 शेयर 3500 शेयर्स खरीदे थे। आज उसकी वैल्यू करीब हो गई है 1448 करोड़ के आसपास। वहीं मुद्दा यह है कि उस कंपनी में उन्होंने निवेश किया था, उसका नाम उस टाइम था मेवाड़ ऑयल्स एंड मिल्स लिमिटेड, एंड 1978 में उन्होंने इसमें निवेश किया था और करीब 2.8% हिस्सेदारी इस कंपनी में उन्होंने ले ली थी। एंड इस कंपनी के जो चेयरमैन है पीपी सिंगल, और पीपी सिंगल और बाबू जॉर्ज की अच्छी मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता थी उस टाइम। बट जब उन्होंने इसमें निवेश किया तो कंपनी इतने टाइम से कोई डिविडेंड नहीं दे रही थी, डिविडेंड नहीं आ रहा था, तो वो इस निवेश को भूल चुके थे क्योंकि काफी पुराना निवेश हो चुका था उनका, तो इस निवेश को भूल गए। जब उनको इस निवेश के बारे में याद आता है, करीब 2015 में उनको इस निवेश के बारे में याद आता है बाबू जॉर्ज को, तो उन्होंने पड़ताल करी कि कंपनी का क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है कंपनी का। तो देखा तो कंपनी लिस्ट हो चुकी थी और कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया था। कंपनी का नाम चेंज होकर पीआई इंडस्ट्रीज हो गया था, आपने भी सुना होगा, काफी अच्छा स्टॉक है कंपनी का। वहीं उस टाइम जब उन्होंने निवेश किया था इसमें 3500 शेयर उस टाइम खरीदे थे। वहीं जब उन्होंने इन शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए किसी एजेंसी ब्रोकिंग कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी ने बोला कि आपके पास शेयर्स नहीं है, आप डायरेक्ट कंपनी में एक बार संपर्क करिए। तो डायरेक्ट उन्होंने पीआई इंडस्ट्रीज में संपर्क किया तो कंपनी ने 1989 में ही शेयर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये ऑलरेडी ही बेच चुके थे किसी दूसरे को। एंड जब उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई बाबू जॉर्ज के लिए, तो उन्होंने कंपनी में संपर्क किया तो ये सारी चीजें दिखी उनको, ये सारी चीजें खुली। इसके बाद 2016 में पीआई इंडस्ट्रीज ने मिस्टर बाबू को दिल्ली बुलाया, बट दिल्ली जाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और ऐसा नहीं होने पर कंपनी ने ही, पीआई इंडस्ट्रीज ने ही कोची में अपने दो अफसर्स भेजे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, जो दावा बाबू जॉर्ज कर रहे हैं वो सही है या नहीं, उन्होंने 2.8% हिस्सेदारी 3500 शेयर्स जो 1978 में खरीदे थे वो सही है या नहीं, तो वो वहां गए चेक करने। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अफसर्स ने वेरीफाई किए और उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट सारे सही हैं। उसके बाद वो वापस दिल्ली चले गए, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, आगे कंपनी ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इसके बाद बाबू जॉर्ज ने नेक्स्ट स्टेप उठाया, वो डायरेक्ट सेबी के पास गए, सेबी को उन्होंने बताया इस सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में। सेबी के पास अभी केस चल रहा है, सेबी कार्रवाई कर रहा है इस पे, और ये मान के चलिए फैसला बाबू जॉर्ज के पक्ष में ही आने वाला है। तो आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और वीडियो को लाइक करते रहें, और ऐसा ही भरपूर प्यार आप हमें देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।